हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू कुकिंग स्मार्ट। मैं हूँ अनामिका और मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ उड़द दाल के पकौड़े। तो क्या करना है, उड़द की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद अच्छे से साफ कर लेना है और उसका पीस लेना है मिक्सर में। अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है, जिससे पकौड़े जो फूले फूले अच्छे से बनेंगे। अब इसमें सारे मसाले डाल, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, गरम मसाला वगैरह डाल दें। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, जो आप खाते हैं मसाले वो भी डाल सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इसे गरम ऑयल में ही इसे बनाना है। अगर मीडियम ऑयल में करेंगे तो अच्छे से ये बनेंगे नहीं, तो इसको गर्म ऑयल में करना है। फिर उसके बाद गैस मीडियम कर देनी है। तो देखिए, मैं हैंड से इस तरीके से पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और याद रहे, अगर हैंड से बनाना तो थोड़ी दूरी से बनाने, तो तेल की छींटे हैं वो पड़ सकती हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्पून की हेल्प से भी बना सकते हैं। और बस इसको दोनों तरफ से अच्छे से, इसको अच्छे से कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन आने तक इसे हल्के अच्छे से फ्राई कर लेना है। और एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। इवनिंग टी के टाइम आप इसे खा सकते हैं बना के चाय के साथ, या कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप उसे बना के खिला सकते हैं। तो आप भी खुश खा के और गेस्ट भी आप भी बहुत खुश। तो आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ या किसी टोमेटो केचप या ग्रीन सॉस के साथ आप इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मैं फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।